Politicians across the spectrum paid tribute to Baba Siddiqui, NCP Ajit Pawar faction leader and former Maharashtra minister, who was killed in Mumbai on Saturday. RJD leader Tejaswi Yadav expressed his grief over Siddiqui's demise and recalled that they both hailed from the same hometown, Gopalganj. देखिए काफी दुखद घटना है और इसको हम लोग जो है खबर मिली इससे हम लोग आहत हुए हैं दिन दहाड़े जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई है ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था लोग चाहेंगे कि जो भी अपराधी बचे हैं या जो मास्टरमाइंड है जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बाबा सिद्दीकी तो हमारे गांव के ही हैं गोपालगंज जहाँ से हम लोग आते हैं और बिहार के रहने वाले हैं और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और के प्रति हमारी पूरी संवेदना है ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को धैर्य और हिम्मत दिखाने का शक्ति दे। एनसीपी शरद पवार फैक्शन लीडर बाबा जानी दुरानी हु सर्व्ड इन द स्टेट असेंबली अलोंगसाइड बाबा सिद्दीकी फ्रॉम 2004 टू 2009 एक्सप्रेस्ड दैट सिद्दीकीज किलिंग वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड. He said that despite their political differences, they had maintained a good bond. मेरे और बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. मैं 2004 से 2009 तक विधानसभा में हम साथ में रहे हुए हैं. अभी भी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किए थे उस वक्त भी मेरे दोस्त के रूप में मैं हमेशा उनसे मिलता रहा हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो इतनी बड़ी घटना उनके साथ हुई ये अनएक्सपेक्टेड है. एक ऐसा वाकया हो सकता है बॉम्बे के अंदर एक शख्स के साथ तो ये सुन के बड़ा तकलीफ और दुख हुआ. कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा रिकॉल्ड दैट ही शेयर्ड अ 3-decade लॉन्ग फ्रेंडशिप विद बाबा सिद्दीकी. विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे हमारे दोस्त. 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती. कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया. बंबई बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए ये सुनकर विश्वास नहीं होता. भगवान उनकी परिवार को जीशान को हिम्मत दे. इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है. फॉर्मर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड नाउ बीजेपी एमपी अशोक चव्हाण कॉल्ड बाबा सिद्दीकी अ ब्रेव पर्सन हु वाज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स. हम सबके लिए बहुत ही दर्द भरी खबर है. बहुत ही हम दुखी हैं कि हमारे साथी जो हम लोग साथ में रह चुके कांग्रेस में हम लोग दोनों साथी थे वो एमएलए थे हमारे साथ में मंत्री भी रहे. बाबा एक दिलदार आदमी था. बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया. मंत्री रहते हुए भी बहुत एक उनका जो स्वभाव था दिलदार आदमी था और लोगों की सेवा करने में काम करने में पॉलिटिकली बड़ी मैच्योरिटी थी उनको और अच्छा काम करता था. 66-year-old Baba Siddiqui was shot dead outside his son's office in Bandra East locality of Mumbai on Saturday night by 3 assailants.